हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू हेल्थ बाय किलो। आई एम कबीर ग्रोवर एंड आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है। सो फाइनली तरुण गिल, जो बहुत टाइम से इन्फेमस हैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में, उन पे इंडिया के बिगेस्ट रोस्टर का वीडियो आ गया है ऑब्वियसली, और बहुत सारे रोस्टर्स ने उन पे रोस्ट किया, बट सब लोग बहुत डेस्परेटली कैरी मिनाटी का वीडियो का वेट कर रहे थे तरुण गिल को रोस्ट करते हुए। अब ये वीडियो बिल्कुल नेचुरल होने वाला है क्योंकि अभी तक मैंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, तो हम पहली बार साथ में देख रहे हैं। अगर नए हो सब्सक्राइब करो एंड अब वीडियो शुरू करते हैं। तरुण गिल डाला, ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं, दोस्त कास्ट ने वीडियो बनाया है और लक्ष्य चौधरी ने वीडियो बनाया, बहुत सारे बड़े बड़े रोस्टर्स इन पे वीडियो बनाया है, बट हम वेट कर रहे थे इन भाई साहब का मैगी खाओ बॉडी बनाओ। ऑब्वियसली ये थंबनेल लिखना था भाई को, भाई ने ये डाला है 4 घंटे पहले एंड ऑलरेडी 2.4 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? काई ग्रीन को फ्री में रोस्ट कर दिया। लोग क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है मेरे से बड़े तो तेरे हैं? तो तुम्हें जरूरत है एक फिटनेस गुरु की, नहीं बनती बॉडी बिना लिए फिल। मैदान में उतर रहे हैं तरुण गिल। इतने फील्ड में तो रॉड सेक्स भी नहीं करता होगा जितने फील्ड में वर्कआउट कर रहा है। सोचो तुम जिम में बोलो भैया वो रॉड देना और भैया सही में रॉड। शुरू में ही तरुण भाई, आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक अब आप बचने वाले हो। इतने मजे से ले रहा, देने वाला भी डर जाएगा। अबे रोटी दी है छड़ी थोड़ी, ऐसा क्या जादू कर दिया? रोटी खाओगे बॉडी बन जाएगी, रोटी में होता है वीट, वीट मींस ग्लूटेन, रोटी से बेटर मैगी है। तब मैगी कौन सा बाजरे की बनती है, उसमें भी तो वीट होता है। अबे टंबल बुद्धि, पैकेट घुमा के नहीं देखा क्या कभी? आई एम अ मैगी मैन, मैगी मैं दबा के खाता हूं। देख लो फिर मैगी के साथ ऐसी हो जाएगी। मैगी से बॉडी बन रही होती तो मेरे छाया के एब्स होते यार। सोचो तुम किसी बॉडी बिल्डर को बोलो, सर मैंने सुना आपने मैगी खा के बॉडी बनाई है। क्या खा के बनाई है? मैगी। मिल गया जवाब। खैर अपने पैर हिलाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्ष के। तुम देख रहे हो किससे आया? वायग्रा से, बिकॉज मैं कभी कभी यूज करता हूँ वायग्रा एज अ प्री वर्कआउट। अभी तो ये अकेला जिम करता है, लड़कियां छोड़ो लड़के भी नहीं आते, क्या भरोसा कब सूर्य नमस्कार हो जाए। कभी कभी हो तो आपके साथ सडनली लेना चाहिए ऑब्वियसली बिफोर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो आप ले सकते हो, पर ये सही बोल रहे बिल्कुल उल्टा ही हो गया। और मास्टरबेशन से पहले कॉफी कौन पीता है? इन्होंने कभी वर्कआउट बना रखा है? प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में मिलाते हैं दारू, थोड़ा मैं डालूंगा प्रोटीन। कितना डालना है बता दियो भाई। अरे जैक डेनियल्स के चूहे कौन सी कॉकटेल बना रहा है? और प्रोटीन के पीछे तेरा भावड़ा थोड़ी होते हैं अबे लंबे गजनी। दहेज में भी प्रोटीन के डब्बे मांगे थे क्या? कसम से इतना एक्सपेरिमेंट तो फूड ब्लॉगर नहीं करते जितना ये अपने शरीर पे कर चुका है। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं क्या सिगरेट पीने से आपके स्टैमिना में फर्क नहीं पड़ता? पड़ता होगा यार। पड़ता होगा नहीं, पड़ रहा है। लाइफ हो गया लाइफ। सब भाई लोग बहन के जनो जिंदा हूँ। टेलर ले ले, हर शब्द के बाद जंगली सुअरों की तरह सांस ले रहा है, लेकिन नहीं सुटेरी बनना है। इसके फेफड़ों में इतना डर भर रखा है 100 मीटर की रोड बन जाएगी। और नवाबी सुट्टा मारना तो सीख ले। ये क्या 17 साल की लौंडियों वाली हरकत है? मुंह में रख के फुक्किया छोड़ रहा है, जबरदस्ती कूल बनना है। शराब समझ के हुक्के का पानी तो नहीं पी जाता? मैंने इस पे बात करी है, इस पे हंसना नहीं चाहिए। सो तरुण गिल को ही हैज अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिस पे मैंने पहले बात करी है, बिकॉज़ ऑफ एनाबॉलिक्स, तो इस पे हंसना नहीं चाहिए। मॉर्निंग रूटीन क्या है? तो सबसे पहले आई हैव सेक्स, फिर आई गो बैक टू स्लीप, फिर आई जस्ट गेट रेडी एंड गेस व्हाट, आई हैव सेक्स अगेन। वर्कआउट का टाइम हो जाता है शाम को, जिम जाता हूं, जिम के बाद गेस व्हाट, आई हैव सेक्स अगेन। ये संभोगी नहीं गुप्त रोगी है,
सांस इतनी फूलती है, दिन के 6 सिलेंडर लगते होंगे, 3 टाइम सेक्स कर रहा है ये। जैसा इसका एटीट्यूड है, खुद का चूपा तो नहीं मारता। जो सबसे घटिया सबसे डेंजरस ड्रग है एम्प और टर्मिन। पहली बात तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो ना कि किसने ले रखा नहीं ले रखा, ये देखो उनके ऐसे निशान हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि मैंने टर्मिन ले रखी है, मैंने ब्लड टेस्ट कराया गया। बचपन से ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, हमारे तो आज तक ऐसा निशान नहीं आया। बस स्ट्रीट स्मार्ट के चौधे दूसरों की चीटिंग पकड़वाने के लिए अपने फर्रे क्यों दिखा रहा है? डोंट यू विश योर डैडी। भाई बात तो सही है वैसे, आई हैड सो मेनी ब्लड टेस्ट, मेरा हर बार एविएशन में ब्लड टेस्ट होता है, ऐसा ब्रूज अभी तक नहीं आया। हॉट लाइक मी। अपने डैडी को दिखाओ कि पापा पापा आप ऐसे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे बाप को में इंजेक्शन लेने का शौक नहीं है ना। तरुण गिल के दो वर्जन है। वाह भाई क्या बूढ़ी है, छाती के निप्पल दिख रहे हैं, टी शर्ट से डोले फट रहे, ये डोले कहाँ गए भाई और निप्पल को कहाँ होगा? हाँ भाई डैडी पंप कहाँ है, खत्म हो गया क्या? ओके अब यहाँ पे आई वांट टू क्लियर समथिंग। अब जो एथलीट्स होते हैं जो इंजेक्ट करके अपनी बॉडी बनाते हैं फॉर कंपटीशन एंड वो अच्छा वर्कआउट करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी रिकवरी करते हैं, उन पे आई कैन अंडरस्टैंड। बट तरुण गिल जैसे लोग इन्फ्लुएंसर्स, फेक इन्फ्लुएंसर्स जो नैटी क्लेम कर रहे होते हैं, उनके लिए बिल्कुल सही बोला। I have condom in my hand. ये आपके पेनिस को लुब्रिकेट कर देता है, which means penetration becomes smoother. Similarly, अगर आप वर्कआउट से पहले जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज करो। जिम में किसको पेनिट्रेट करना है, तेल लगा के थोड़ी घूमते रहेंगे। और सुअर बेटा जब कहते हैं वर्कआउट इज सेफ्टी, इसका मतलब ये नहीं है जिम में निरोध लेके आ जाओ। मैं सैनिटरी नैपकिन, इसे भी लगा के वर्कआउट करता है क्या? ये मैसेज सभी बॉडी बिल्डर्स के लिए, इंक्लूडिंग माय सेल्फ। जब भी आप कंपटीशन खेलते हैं, आपका एक पीक वीक आता है जिसमें आप बहुत इरिटेटेड रहते हैं, मूड नहीं करता किसी भी चीज का, जस्ट एजिटेटेड फॉर नो रीजन। इमेजिन करिए हर महीने आपका ऐसा ही पीक वीक हो जो एक औरत को गुजरना पड़ता। साले केकड़े से थूक के पागल है क्या? कहां की बात कहां ले जाता है, पीरियड्स और बॉडी बिल्डिंग बराबर करती है। ऐसा लड़कियों का मसीहा नहीं चाहिए जिसका खुद महीना चल रहा हो। मैंने भी इसे काफी बार बात करी है इनको टैबू से हटाने के लिए, पीरियड्स के बारे में भी बात कर चुका हूँ, उस पर काफी सारे मेरे वीडियोस आ चुके हैं बहुत पहले। बट कंपेयरिंग बॉडी बिल्डिंग का पीक वीक टू पीरियड्स इज मेस्ड अप। ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है फीमेल्स के लिए एंड बॉडी बिल्डर्स के लिए, क्योंकि वो दोनों बहुत अलग स्ट्रगल है। क्योंकि ब्रा है। अब इसके भी फायदे बताएगा क्या? कभी कॉन्डम, कभी पैड, कभी ब्रा, हर रोज नए नए गैजेट निकल रहे हैं। मोटी चमड़ी का डोरेमोन और क्या छुपा रखा अपने पिटारे में? देख रहे हो क्या ये? अपने मुंह पे पहनने से ये इन्फ्लुएंसर नहीं, चलता फिरता रिटेल स्टोर है, क्योंकि चांदनी चौक से ज्यादा माल तो इसकी कार पर रखा है। दिस इज माय मिडनाइट स्नैक, देख रहे हो? यही है, यही है। केक रात को खाऊंगा, राइट? चोको पेक्स 6 रात को खाऊंगा, 6 और रात को खाऊंगा। आपको सही में लगता है वैसे ये भाई ये सब खाते होंगे रात को? ये हिसाब से इट्स जस्ट मार्केटिंग ट्रिक कि आप लोगों को दिखाएं कि मैं ये सब खा के बॉडी बना रहा हूँ, फिर अपना कोई कोर्स लॉन्च कर दें, अपना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दें जिसमें आप लोगों को बोले कि आपको सेम खाना मिलेगा। ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए ये कल के लिए। इतना मीठा खा के चेस्ट नहीं चूचे बनते हैं, वजन भारी उठाता है, लेकिन जिंदगी हल्के में ले रखी है। मैगी, कॉफी, वायग्रा, दारू, सुट्टा, चोकोबेक, अबे सीधे जहर खा लेना, धीरे धीरे क्यों मरना चाह रहा है? और ये जो इसका साइड चेक बन के खड़ा है, ये इसका ट्रेनर नहीं तोता है, सारी अपने आप दोहराता है। वेजिटेरियन केले खाओ, मौसमी टैंक खत्म हो गया, टैंक खत्म हो गया इसका तरुण गिल की वीडियो में और आलिया भट्ट का ब्रह्मास्त्र में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। लेकिन हाँ कभी कभी लगाए, लगाते एंड ऊपर एंड स्लो 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 स्लो। तुम बड़ा खुश हो रहे हो, खैर आजकल तो सकता है। कॉम्पिटिशन है बिग फिट क्लासिक 5th 6th 7, 1 crore कैश प्राइज है। बीच में 1 crore जीतना आ जाओ। एटीट्यूड तो ऐसे फेंक रहा है जैसे खुद 1 crore दे रहा हो। जिन जाने वालों का यही है, चाहे जिंदगी में लड़ाओ खड़ाओ लेकिन छाती हमेशा चौड़ी रहती है। तरुण गिल वो लौंडा है जो सबसे पंगे लेता है, पहले खुद ही लड़ाई छेड़ेगा। बीच में 1 crore जीतना आ जाओ। और जिस दिन लड़ाई होने वाली होगी तरुण, तो आज 8 lakh रुपए जीतने वाले थे बिग फिट क्लासिक में। अच्छी तारीख है यार, और ये सीधे 1 crore से 8 lakh। अबे इतना नीचे तो क्रिप्टो की मार्केट नहीं गिरती। तो देखा आप लोगों से प्यार ही इतना, आपके लिए जगह छोड़ दी, जाओ 9 lakh रुपए जीतो, इसलिए हम आए नहीं। तू इतना बोलता भी है, ये घोड़ा नहीं घोड़ी है, तरुण गिल को हमेशा चढ़ा के रखता है। अरे क्या घपला है, कभी 1 crore, कभी 8 lakh, कभी 9 lakh। ये भगवान के स्कैमर है नहीं, लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे। अबे कल को कॉन्डम बेचेगा तो पहन के दिखाएगा क्या? क्या कर रहा है? अपने
अपने माथे पे निरोध लिखवा ले। जैसी इसकी हरकतें ओयो से ज्यादा बाजे तो उसके जिम में आती होंगी, दुनिया भर की गंदगी चाटता रहेगा। एक कांकर मेरे भले उस पे ग्लूटेन नहीं होता, ये प्रोटीन के पीछे इतना बावड़ा है दूध के लिए लड़की प्रेग्नेंट कर देगा। आओ यार इसकी सही में डाइट प्लान फॉलो करके देखते हैं। हाँ भाई घोड़ी बता क्या क्या खाना है। जिम के पहले हमें खाना है मैगडी महाराजा बर्गर, जिम के बाद क्रीमी चीज बेक पास्ता व्हाइट सॉस, उसके बाद है मैगी 2 प्लेट मैगी, उसके बाद क्या खाना है आइसक्रीम 200 ml आइसक्रीम, मॉन्स्टर बनना है तो खाना पड़ेगा भाई। उसके बाद सोने से पहले क्या है 3 मफिन। अच्छा क्या बॉडी देख रहे हो, ये डोले, ये चेस्ट, ये एब्स, ये जॉलाइन। सॉरी तरुण भाई आप बिल्कुल सही थे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, अंबानी के बेटे वाली फीलिंग आ रही है। लव यू तरुण भाई। बजा दी ओबीसी, जैसे मैं भी बोलता हूँ हमेशा, जिस बंदे के बारे में वीडियो बन रहा है उसको गालियां मत दिया करो। जस्ट लाइक अजय सेड, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, तरुण गिल ने जब ये स्कैम करना शुरू किया था ही हैड क्लोज टू 1.2 मिलियन फॉलोअर्स या उससे भी प्रॉब्ली कम ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। बट अगर आप अभी जाके देखोगे जब से उन्होंने ये कचरा करना शुरू किया है, गालियां तो बहुत पड़ती है कमेंट्स में, बट सोचो एंगेजमेंट कितना पड़ता है। ही ग्रू टू ऑलमोस्ट ओवर 3 मिलियन फॉलोअर्स इस कचरे के बाद। आई एम प्रीटी श्योर कैरी के इस वीडियो के बाद भी तरुण भाई को बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स, ये सब मिलने वाले हैं। तो अब आप बताओ कमेंट्स में, तरुण भाई सही में स्कैमर हैं और इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मार्केटिंग पर्सन? कमेंट्स में बात करते हैं। एंड अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है खैर अब तो वो भी सफेद हो गया है, उस पे डंबल फेंक के मारो या प्रोटीन का डब्बा मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। समझे? बी सेफ, लव यू गाइस।